हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज। जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। हमारे भारत देश ने इस साल 15 अगस्त को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये बहुत ही खास दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस ऐसे ही देशभक्ति के ऊपर बनाई गई फिल्मों के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं फिल्म बॉर्डर की। मल्टी स्टारर फिल्म थी, कई सारे स्टार्स को आपने देखा होगा और इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था। फिल्म ही नहीं, फिल्म के गाने भी जो हैं वो दर्शकों को काफ़ी पसंद आए थे। यही नहीं, इसके बाद अजय देवगन की फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह आई, उसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है दर्शकों के द्वारा पसंद किया गया। मनोज कुमार, जिन्हें लगातार जो है देशभक्ति फिल्में बनाने की वजह से भारत कुमार का नाम दिया गया, इन्होंने साल 1965 में फिल्म शहीद की थी। इसके अलावा भी कई बेहतरीन फिल्मों में जो है नज़र आए हैं मनोज कुमार। यही नहीं, बात करें अगर अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार भी कई सारे देशभक्ति फिल्मों में नज़र आए। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप हॉलीडे फिल्म में सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी देख सकते हैं। यही नहीं, अजय देवगन भी इस लिस्ट में काफ़ी आगे हैं और अब तो अजय की लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में जैसे कि वुज द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्में जो है वो रिलीज़ होने वाली है। शाहरुख खान भी जो है इस लिस्ट में है, उन्होंने भी कई सारी फिल्मों में जो है लगातार देशभक्ति को जो है वो दर्शाया है। आमिर खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और अगर हम इस लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम अगर सनी देओल की बात ना करें तो फिर ये लिस्ट पूरी ही नहीं होगी। जॉन अब्राहम ने भी कई सारी देशभक्ति फिल्में की हैं और इसके अलावा विकी कौशल जो कि युवा अभिनेता हैं, उरी जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।